एन ग्राफ क्या है? देखो सिंपल, इसमें हम ड्रॉ करेंगे एक एन, एन फॉर नेस्ट, ठीक है। हमने एन बनाया इस तरीके से, ठीक है। तो ये एन हो गया। अब एन ग्राफ में क्या होता है, मोस्टली एक पोर्शन जो है वो हमारी इनकम को शो कर रहा है और दूसरा पोर्शन हमारे एफर्ट्स को शो कर रहा है। जो नीचे वाला पोर्शन है ये वाला, ठीक है, जिसको मैं दूसरे कलर से लेता हूं, ये वाला जो पोर्शन है ये हमारी इनकम को एफर्ट को दिखा रहा है, ठीक है। और जो सेकंड वाला पोर्शन है वो हमारी इनकम को दिखा रहा है, ये वाला पोर्शन जो है वो हमारी इनकम को शो करेगा, ठीक है जी। तो जैसे जैसे आप वर्क करते हो यहां पे, जैसे आपने काम शुरू किया, स्टार्टिंग में आपने बहुत सारे एफर्ट लगाए, ठीक है, स्टार्टिंग में आपने क्या किया, एफर्ट लगाए बहुत सारे, भी इतने सारे एफर्ट लग गए आपके, लेकिन आपका रिजल्ट क्या आया, बिल्कुल इतना सा, ठीक है। यानी कि आपके 90% यहाँ पे एफर्ट लग रहे हैं और 10% ही आपको रिजल्ट देखने को मिल रहा है, इससे भी कम हो सकता है, इससे भी कम देखने को मिले। फिर आपने क्या करा, आपने अपने एफर्ट्स बढ़ाए, ठीक है जी। जैसे जैसे टाइम स्पेंड हुआ, आपकी स्किल जो है वो, स्किल और अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप होती गई, वो धीरे धीरे बढ़ती गई, डेवलप होती गई, ठीक है जी। तो अब जो है वो अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ी, स्किल बढ़ी और आपने नॉलेज गेन करी। तो जब सेकेंड टाइम आप अपने इस ग्राफ को नोट करोगे तो आपके जो एफर्ट्स हैं वो 70% लग रहे हैं और रिजल्ट जो है वो 30% से गेन हो गया। ये उन्होंने एवरेज ऐसे ही बढ़ता है, ठीक है। ये आपका टाइम शो हो रहा है यहाँ पे, नीचे से ऊपर की ओर टाइम है, ये टाइम शो हो रहा है यहाँ पे, टाइम, ठीक है, टाइम। और फिर आपने और स्किल गेन करी, आपने नॉलेज ली, आपने वेबिनार अटेंड करे, आपने बहुत कुछ सीखा, समझा, मेरे वीडियो से सीखा, अपने सीनियर से सीखा, ठीक है। तो सारी चीजें सीखते सीखते करते करते बाय द टाइम और सेल्फ ऑब्जर्वेशन से आप यहाँ पे 60% जो आपके एफर्ट रह जाएंगे और आपकी इनकम है वो 40% से गेन हो जाएगी। इसी तरीके से ऊपर बढ़ते जाएंगे ऊपर की तरफ, तो अपना जो एफर्ट है वो घटते जाएंगे, हमारी इनकम बढ़ती जाएगी। मींस इसको दूसरे वे में बोलूं तो ये एक तरह से हमारी प्रोडक्टिवनेस होगी, हमारी प्रोडक्टिव, ठीक है, हम प्रोडक्टिव हो रहे हैं डे बाय डे, डे बाय डे काम थोड़ा सा करते हैं लेकिन उसका रिजल्ट अच्छा बोलता है, ठीक है, क्योंकि हम क्वालिटी में डील कर रहे हैं। एक टाइम ऐसा आएगा जब आपके एफर्ट और आपका जो इनकम है वो 50-50 रह जाएंगे, 50% और 50%, ठीक है। अब इस चीज, इस पॉइंट ऑफ व्यू पे अगर कोई बाहर वाला पर्सन देखे आपको, जिसने आज ज्वाइन किया है, तो वो ये समझेगा कि यार मतलब ये कैसे कर पा रहे हैं, वो ये नहीं सोच रहा कि मैं इस जो ग्राफ है इसकी पहली स्टेज में मैंने शुरू करना है, यहां से फर्स्ट स्टेप से शुरू करना है, फर्स्ट स्टेप से शुरू करना है मैंने यहाँ पे, ठीक है जी। वो ये नहीं देखता, वो अपना कंपैरिजन करता है यहाँ पे इससे, उस बंदे ने कितनी स्किल, कितने फेलियर देखे होंगे तब जाके उसने ये सीखा होगा, ठीक है। अब ये कितना जल्दी होगा ये आपके ऊपर ही डिपेंड करता है कि आपके अंदर कितनी आग है, सिंपल सी बात है। फिर धीरे धीरे एक टाइम आएगा जब आपके एफर्ट्स कम होने लगेंगे और आपकी इनकम जो है वो बढ़ने लगेगी 60%, और फिर धीरे धीरे और अच्छे से जब आप लीडरशिप में आ जाओगे, जब आप मैनेजर लेवल डन कर लोगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे एफर्ट्स में कमी आ रही है, इसका मतलब ये है कि हम गलतियां कम करते जा रहे हैं और हमारी अंडरस्टैंडिंग इतनी डेवलप हो चुकी है कि हमें पता है कि क्या चीज काम कर रही है, क्या नहीं कर रही है, ठीक है। तो ये 30% हमारा जो है वो एफर्ट से हमारी प्रोडक्टिविटी जो है वो इतनी बढ़ जाती है 70%। ऐसे करते 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 एक टाइम ऐसा आता है जब एफर्ट सिर्फ 10% रह जाते हैं और हमारी प्रोडक्टिविटी और इनकम जो है वो 90% से गेन कर जाती है, कि हमें एग्जैक्ट पता होता है कि ये चीज करेंगे तो ऐसे होगा, ये चीज करेंगे तो इस तरीके से, ये चीज ऐसे वर्क करती है, ये लोग ऐसे चलते हैं टीम में, ठीक है, खुद काम ऐसे करना होता है, टीम से ऐसे करवाना होता है, ऐसे लीडरशिप होती है, ऐसे हमने प्रॉब्लम्स का अपनी का सलूशन करना है, फिर हमारी टीम के प्रॉब्लम का भी हमें सलूशन इस तरीके से करना है। नीचे कोई बहसबाजी होगी उसको कैसे सॉल्ट आउट करना है, ठीक है, कोई पूछ रहा है सिखाना कैसे है, सिखाने का मेथड क्या है, किस तरीके से हम अपना मैसेज डिलीवर करें लोगों तक, किस तरीके से हम उनको समझे ताकि हम उन्हें समझा पाए, ठीक है। तो करते करते एक पॉइंट पे यहाँ पे आप पहुंच जाओगे जब आप सुपर प्रोडक्टिव हो जाओगे, ठीक है, आपको पता होगा कि 100% पॉइंट टू पॉइंट, पिन बाय पिन आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, इतनी क्लैरिटी आपके अंदर आ जाएगी और इनकम यहां पे आपकी देख लो 95% से गेन कर जाएगी, क्लियर है। तो ये है एन ग्राफ।
अब इसमें आप कितना टाइम लगाते हो वो कैसे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा कि आपके एफर्ट्स कितने हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे एफर्ट्स को अगर मैं माप लूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने एफर्ट्स को मापना है कि यहाँ पे 100 टन का एफर्ट लगेगा, ठीक है, ये पहली स्टेज पार करने में 100 टन का लगेगा, आप 50 टन से आगे नहीं बढ़ रहे तो भाई आपका कभी यहाँ पे पहली से दूसरी स्टेज में आओगे ही नहीं कभी, ना फिर उससे अगली स्टेज में आओगे। सो यू हैव टू पुट ऑन एफर्ट्स, ये कितने टाइम में डालोगे भाई ये किस पे डिपेंड करता है। चाहे तो आप इस जो दबाव है इसको आप 6 महीने में कर लो, 6 मंथ में कर लो, ठीक है जी, या आप इसको 6 वीक में कर लो, ये तो आप पे डिपेंड करता है आपके अंदर कितनी वो आग है। तो ये पूरा का पूरा चार्ट जो है वो इसी पे डिपेंड करता है कि आपके अंदर कितनी आग है और कितनी जल्दी आप चीजों को ग्रैब करते हो, कितनी जल्दी आप, कई बार हम एक मिस्टेक करते हैं फिर उसको रिपीट करते हैं, फिर उसको रिपीट करते हैं, फिर उसको रिपीट करते हैं, ऐसे करते करते हम एक लूप में फंस जाते हैं इस तरीके से, ठीक है, कभी नहीं निकल पाएंगे। एक बार जो हमने गलती कर दी उसको अगेन गलती मत करो, बस उसको वहीं पे खत्म करो। जिसके अंदर ये है वो इसमें बहुत जल्दी ऊपर जाएगा, गेन करेगा इस तरीके से, ठीक है। ये हो सकता है 6 मंथ में इसमें आप इस लेवल पे पहुंच जाओ, या हो सकता है 6 साल में, 6 ईयर्स में, या हो सकता है कि 60 ईयर में भी ना पहुंच पाओ, डिपेंड करता है टोटली आपके ऊपर, क्लियर है। तो ये है एन ग्राफ, इस तरीके से हमें यहाँ पे वर्क करना होता है। तो अभी आप कौन सी स्टेज पे हैं कमेंट में बता दो। ऑल द बेस्ट।